सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कि वेद पुराण निगम आगम सब वैकुंठ का बखान करते हैं, देवता भी वैकुंठ का बखान करते हैं, लेकिन मेरे राम जी अयोध्या का बखान करते हैं। कहते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अयोध्या के समान हमारे लिए कोई प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कहीं ले चलिए या नहीं ले चलिए, पर अयोध्या जरूर। अरे ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जो कभी राम नाम जपते थे डर के माने राम नाम ले रहे हैं, तो त्रेता युग ही समझिए। कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं करोड़ों वर्ष काशी बस जाइए, करोड़ों वर्ष मथुरा बस जाइए, लेकिन अयोध्या में क्षण भर में सारे तीर्थ का पुण्य का फल मिल जाता है। तो ये राम पैड़ी 2015 में, 14 में, 16 में, आज के 3-4 साल 5 साल पहले जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। जाइए, सुनिए, अब 4-5 साल पहले जाइए। और फिर जब मैं अयोध्या आया था यहाँ पे 2016 में, मैं अयोध्या आया था तो देखा था तो पैर में कीचड़ लग जाते थे जब राम पैड़ी पे आते थे, तो इसमें बिल्कुल खाई जमा हुआ था, बिल्कुल इतनी गंदगी कि आप मुंह बंद करके मास्क लगा के ही यहाँ पर खड़े हो सकते थे। आज देखिए इतना सजाने और संवारने का काम किया, तो इसको जो है आप महात्मा जी लोग गलत कह रहे हैं। किसने किया, किसने किया ये इतना इतना अच्छा काम? योगी आदित्यनाथ जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की नहीं आती तो कौन करता? इतने दिनों से होना था तो हो नहीं जाता। अखिलेश यादव जी ने किया जी। उनका शासन था, कोई सरकार ने किया? आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कभी बन सकता था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सजाने और संवारने का काम किया है, जो भी किया है अयोध्या के लिए सुंदर किया है। देखिए इतना सुंदर, लोग यहाँ कोई आता था कोई पूछता था? कुत्ता भी नहीं पूछता था, गलियों में कोई नहीं आता था। लेकिन आज आज सज गया तो लोग देखने अयोध्या को आ रहे हैं, और पहले भी आते थे, आस्था हमेशा से थी, ऐसा नहीं कि आस्था बिगड़ गई थी। लेकिन इसमें भक्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसमें जो है जो कीचड़ लोग, इसमें कुत्ता आता था पूछता था कोई यहाँ पे? जब इसके पहले जो इतना गंदगी था तो कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था। लेकिन जो सजा, वो तो धाम, वो तो अमर ही है, त्रेता युग की तरह बिल्कुल बना दिया अयोध्या को। इस समय दौर आ गया है, वो सजाने बिल्कुल आ गया, त्रेता युग चल ही रहा है, बिल्कुल देखिए त्रेता युग ही है। राम राम, जो कभी राम नाम जपते थे डर के माने राम नाम ले रहे हैं, तो त्रेता युग ही है समझिए। जो राम नाम लेने के लिए डरते थे, हिंदू मुस्लिम सब राम का नाम ले रहे हैं, और लेना पड़ेगा अगर रहना है अयोध्या में तो राम का नाम लेना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। जो नहीं ले रहा है उसको करवाएंगे कि आप राम का नाम लो अयोध्या में हो तो। ऐसा है, हिंदू ही थे वो पहले, ये मुसलमान अब बने हैं, पहले हिंदू ही थे, इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना लोग। वो स्वीकार करें अथवा ना करें, वो हिंदू ही थे, ऊपर से थोड़े बट के आते हैं या बढ़ते तो यहाँ पर थे हिंदू ही, वो अपने अपने जाति बांट लेते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। आज अयोध्या जी देख करके कैसा लग रहा है? अब हमको तो लग रहा हम त्रेता युग में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ। अलौकिक। और सबसे ज्यादा बधाई देंगे हमारे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जी, जी। इधर कोई आने वाला कोई था नहीं, तो डर लगता था आने में, आज देखो तो माताएं बहनें सब, साधु संत महात्मा सब अपने, कोई रमी जमा है तो कोई भजन कर रहा है, तो कोई घूमने के हिसाब से आ रहा है, बाकी हजारों की संख्या यहाँ रोज देखने को मिलती है, लाखों की। लेकिन अयोध्या नगरी में आज किसी दीवार पर देखें तो जय श्री राम है, किसी शटर पर देखें तो वहाँ पेंटिंग बना हुआ है, किसी रोड पर देखें तो वहाँ रंगोली बनी हुई है, घाट पर देखें तो राम में दिखाई दे रहा है। तो ये तो अयोध्या का प्रतीक है, भगवान राम राजा का दरबार है, तो राजा में राम का नाम नहीं रहेगा किसका रहेगा? जिस राज्य में रहेंगे उस राजा का गुणगान गाना पड़ेगा ना। लेकिन आज तक अनदेखी की गई ना इस शहर? नहीं नहीं, आज तक जो थे कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं, समझ रहे थे ना, अखिलेश यादव थे, वो तो कब्रिस्तान में लगे रहते थे। क्या बात है, कब्रिस्तान बनाए से उनको फुर्सत मिले जब ना, समझ रहे। राम के काम करने के लिए बड़े भाग्यवान ये अवतारी पुरुष है, ये दोनों अवतारी पुरुष हैं, योगी जी और मोदी जी अवतारी पुरुष हैं, समझ रहे। भगवान राम का काम हर एक किसी को भाग में नहीं होता है, वो तो कब्रिस्तान बनाने में लगे रहते थे, आज तक भी हनुमान जी के दर्शन करने नहीं आए, जब तक मुख्यमंत्री रहे अयोध्या में प्रवेश नहीं किए। राजनीति कोई विषय नहीं है, हमारे राम राष्ट्र का मंदिर बन रहा है और पूरे देशवासियों को खुशी है और साधु संतों को विशेष खुशी है, और जितने भी अतिथि आ रहे हैं सबका सेवा भाव होगा, सबके लिए लंगड़ गेलो गेल चलेगी, सबकी सब व्यवस्था होगी। इस प्रकार से हम राम राजा आ रहे हैं, उस प्रकार से हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। तो दिवाली मनाने का समय आ गया है? समय नहीं, समय चल रहा है दिवाली का। हाँ।
दिवाली का समय शुरू हो चुका है, अब अयोध्या में इस दिन दिवाली रहेगी। लगता है कि योगी मोदी सरकार अगर नहीं होती तो संभव था क्या? नहीं नहीं, ये सरकार का सवाल ही नहीं उठ, इनको तो भगवान की तरफ से ये अवतारी पुरुष भेजे गए हैं, इनको किसी न किसी को माध्यम बनाया जाता है, समझ रहे? ये सब उतने मुख्यमंत्री आए गए, अभी तक कोई अयोध्या का विकास नहीं किया है। अवतारी पुरुष हैं योगी और मोदी, बिल्कुल विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों हैं, बिल्कुल मोदी जी विश्वामित्र हैं और ये योगी जी वशिष्ठ हैं। जो जो एक बिल पावर की जरूरत होती है भाई साहब, एक बिल पावर की जरूरत होती है, इतने मुख्यमंत्री रहे क्यों किसी ने बिल पावर नहीं दिखाया? लोग डरते थे अयोध्या के बारे में बात करने के लिए, आज की डेट में जैसे गुरु जी ने बोला अवतारी पुरुष हैं, तभी इन्होंने गट्स दिखाया, बिल पावर दिखाया, तभी तभी रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। नहीं था ये सब, हर एक 15-20 दिन में हमारी योगी बाबा अपने देख रेख में करवा रहे हैं अयोध्या का। क्या बात है, अपने देख रेख, हर एक 15-20 दिन में आते हैं। पहला मुख्यमंत्री है जो कि अयोध्या में 46 से 48 बार आ चुका, 60 बार आ गया, 60 बार, 60 बार जो हमको खबर अभी इसके पहले मिला था, अब तो 60 हो गए, 60 बार अयोध्या आ चुका, उससे भी ज्यादा आया होगा। ये पहला मुख्यमंत्री है कि जो आए हैं अयोध्या में। कोई मुख्यमंत्री कदम नहीं रखना चाहता था पहले, पहले कदम नहीं रखना चाहता था कि मेरी राजनीति हिल जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में एक आए हैं तो एक आए हैं योगी जी और मोदी जी, जो हमारे अयोध्या को स्वर्ग बना दिए, और ऐसे हम लोग चाहेंगे हमारे राम भक्त, जय श्री राम चाहेंगे, तो ऐसे हमारा राम मंदिर और बन जाएगा और अयोध्या का निर्माण होता रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी हर एक जगह विकास किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चल रहे, इसमें कोई जाति समाज वाली बात नहीं है, वो तो सबको ही साथ में लेकर चल रहे हैं। भाई भारत में रहना है तो राम राम कहना, राम राम का, जय श्री राम। भगवान राम का देश है, राम से शुरू है और राम पे ही खत्म है, राम सेवा कुछ नहीं है धरती पर। भाजपा मंदिर निर्माण का श्रेय लेना चाहती है या लोग देना चाहते हैं? नहीं, भाजपा कोई इसने नहीं ले रही है, भाजपा ये काम करना चाहती है, ये काम कर रही है, करना चाहती है, समझ रहे? अभी उसी को नश्रय होगा भाई साहब, आप बात मोदी सही को बिल्कुल 100% ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता। बार बार वही वही बात पूछ रहे हैं, सब लोग यही बात बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाएंगे उन्हें? अरे को सोचने की कोई बात ही नहीं है, 100% वही बनेंगे। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? वो उनकी बात छोड़ो, अपना भजन करे। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना देवता भी निगम आगम वैकुंठ का बखान करते हैं, लेकिन मेरे राम जी क्या कहते हैं कि वेद पुराण निगम आगम सब वैकुंठ का बखान करते हैं, देवता भी वैकुंठ का बखान करते हैं, लेकिन मेरे राम जी अयोध्या का बखान करते हैं। कहते हैं कि अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो, अयोध्या के समान हमारे लिए कोई प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कहीं ले चलिए या नहीं ले चलिए, पर अयोध्या जरूर। अरे ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, हा हा अवध बिहारी साव, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, ओ देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, हाँ अवध। देखिए अभी जो भाई ने कहा का अयोध्या, राम जी इतनी प्रिय है, अयोध्या इतनी प्रिय है कि अपने पुत्रों के लिए राज नहीं दिया है, समझ रहे? इतनी प्रिय है अयोध्या राम जी के लिए कि अपने पुत्रों के लिए भी राज नहीं दिए। तो क्या इतनी ही प्रिय अब योगी मोदी के लिए है? उससे और विशेष, उससे और ज्यादा। देखिए अभी तक कोई मुख्यमंत्री 14 कोसी के अंदर नहीं आया है, 14 कोसी के बाहर कब्रिस्तानों में देखते रहे हैं, कब्रिस्तान मजार कहाँ है, समझ रहे? कब्रिस्तान मजार देखते रहे कहाँ है। और हमारे योगी जी हर एक 15 दिन में अपने चल के पैदल जाया करते हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, उनका दौड़ के अयोध्या आना खाली, और देश में क्या कमी है, प्रदेश में क्या कमी है, उसको भी देखे ना भगवान। तो अनाज काल से अयोध्या अनाज काल से है, कोई उनके नाम, कोई उनके नाम से अयोध्या नाम नहीं हुआ। अयोध्या का नाम तो
त्रेता युग से है, वो योगी मोदी ने कुछ नहीं किया। अरे हमका करने क्या मतलब, मलम्मा लगाना तो सभी जानता है, आज के सफाई कर दे, मलम्मा लगा दे, अयोध्या को उजाड़ दे, सब खोद के बहा दे, इसका क्या मतलब? क्या कह रहे हैं दादा? दादा बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, आज के 70 साल पहले ऐसे ही सजी रहती थी, देखिए भैया ऐसे ही सजती थी, ऐसे ही रामपेड़ी बहती थी, आज के 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं एकदम बिल्कुल ऐसे ही रहती थी, एकदम बिल्कुल चमकती थी सोने से, समझा हमेशा रही है। मन का कोई साफ नहीं करता, खाली सफाई करता है, मन में कूड़ा भरा है, खाली जय श्री राम। योगी मोदी के मन में कूड़ा है? अरे सबके, योगी मोदी के मन में कूड़ा है, हम कह सबके योगी मन में, हाँ बिल्कुल, संसार में कौन ऐसा है जिसके मन में कूड़ा ना हो, पहले मन देखिए भैया। नहीं, हमारा तो मन साफ है और हमारे योगी मोदी का ही मन साफ है, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, राम की, और किसी की बात नहीं करते हैं। हम राम को मानते हैं, प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या सब प्रदेश में बराबर काम चल रहा है, सब देखे जा, गुंडा माफिया सब ठोके जा रहे हैं भैया, आज हो रहा है बिल्कुल डायरेक्ट ऑन स्पॉट, इस चौराहे पे तुम उधम करो, अगले चौराहे पे तुम्हें गोली इंतजार कर रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ राम राम में लगे, उनको गुंडागिरी करने की फुर्सत नहीं है, वो सिर्फ राम ही राम में लगे, कहीं टाइम नहीं है, कहीं झाड़ू लगा रहे, कहीं पोछा लगा रहे। जैसा दौर आया एकदम त्रेता युग जैसा दौड़ नहीं है, त्रेता युग लग गया भाई, अयोध्या ही है वर्तमान में, त्रेता युग ही है, दूसरा कोई युग नहीं है, कलयुग नहीं, त्रेता युग चल रही है। त्रेता में क्या था, नहीं जजुज को दुखी न जीना, नहीं को अभोजन लक्षण हीना, सब नर कने परस्पर प्रीति रहे, स्वधर्म वेश सुनीति, आज कहाँ है, है नहीं। एकदम अयोध्या में न कोई भिखारी, न कोई गऊ, न कोई बंदर, कोई भूखा नहीं रह रहा, गेलो गेल लंगड़े चल रहे, हर एक मंदिर में भंडारा चल रहा है, जन्ना कपड़ा पैसा और भोजन और रहने को छत, हर एक चीज अयोध्या में मिल रही है, कोई कोई अभी भूखा नहीं सोता है अयोध्या में, ये राजा राम की नगरी है, सबको मिलता है, बिल्कुल पास है, कोई नहीं मरा चाहे आज चाहे पहले, यहाँ भूखों कोई नहीं मरता, राम सबको देते हैं। समस्या क्या है, अब समस्या क्या है? अरे समझ लीजिए, बेरोजगारी समस्या है, गरीबों का दुकान उजड़ गया ये समस्या है, गरीबों का दुकान उजड़ गया, कौन गरीब, महंगाई बढ़ गई, कौन गरीब की दुकान उजड़ी है, कौन गरीब है, कौन गरीब है, 500 रुपए किलो लड्डू बेच रहा है वो गरीब है, 100 रुपया का डाल्टा मिला के वो गरीब है, कई अरगो खरगो से रुपया कमा लिया, साधुओं की जगह पे कब्जा किए बैठे थे हजारों वर्षों से, 100 रुपया किराया देते थे 75 रुपया, 75 रुपया किराया देते थे, 500 रुपया किलो लड्डू बेचते थे, वो रुपया कहाँ गया, 100 रुपया का डाल्टा, 25 रुपया का बेसन, 500 रुपया में जो पैसा कहाँ गया? गरीब की पूरे दिन भर में चाय कितने रुपए की बिकती थी? पहले गरीब की चाय 3 रुपया में बिकती थी, आज 10 रुपया में बिक रही, 15 रुपया दे रहे हैं। अगर सचमुच कहा जाए कि विवेकानंद के बाद कोई सच्चा कोई सनातनी पैदा हुआ है इस धरा पर, तो उसका नाम है मोदी, नरेंद्र मोदी जी को, और माननीय जो हमारे प्रखर है, प्रखर जो मुख्यमंत्री है, इसके पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे, आप भी जानते हैं, बसरते ये पहला ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निडर हो करके और गरीबों से लेकर के और सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, राम के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, और ये कोई ये नहीं है कि ये किसी हिंदू को इसका फायदा मिल रहा है, मुसलमान को भी फायदा मिल रहा है। आज चारों तरफ राममय वातावरण देख करके लग रहा है त्रेता युग का युग लौट आया है। बिल्कुल लौट आया है, इसमें कहीं कोई दोरा नहीं है, अयोध्या पूरी तरह से बदली हुई है, और अयोध्या ही नहीं, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, गोरख जो पीठ है उसका तो बहुत बड़ा योगदान रहा। नहीं बिल्कुल योगदान है, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, केवल अयोध्या ही नहीं बदल रही है, समस्त उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, जहाँ जाइए आप विंध्याचल कॉरिडोर चले जाए, मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ का प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि कितना विकास हो रहा है जी, और ये अच्छी चीज है। ठीक है, आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्या लगता है कि 2024 में फिर से हमें मोदी सरकार चाहिए? मोदी सरकार चाहिए ना, मोदी सरकार जरूरत हो गई है, चाहिए ना, एकदम जरूरत हो गई है, मोदी जी को ही आएंगे, नहीं, 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 नहीं।
बिल्कुल भगवा लहराएंगे और पूरे विश्व में भारत का नाम योगी मोदी ही आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले 100% एकदम 101% सभी प्रकार से केवल राम में, केवल एक कुछ नहीं करना पड़ेगा उनको, केवल राम का काम कर दिए और कर रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं कि किसी का नुकसान पहुंचाना है, रहना सबके लिए हो, सबका हित कर रहे हैं। राम नाम पे करके जाति बात मत बताइए, या आप या कोई भी व्यक्ति, राम नाम के ऊपर ये की नहीं कि जाति बात वो कर रहे हैं, सबका हित कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। सबका ख्याल रख रहे हैं, भगवान का नाम लें और यही इसी तरह उनको भगवान अच्छी बुद्धि जो जो, जो विपक्षी कहेंगे कितनों कर्म माई माई और जीती है फिर से मोदी है भाई। राम मंदिर के उद्घाटन पर दिवाली की कैसी तैयारियां? दीपावली की तैयारियां तो इतनी जोर जोर से चल रही है, हर एक कहीं आपको राम ही राम दिखाई देंगे, राम के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार से अयोध्या को सजाई जा रही है, जैसे नई नवेली दुल्हन को सजाई जाती है, इस प्रकार से अयोध्या उससे भी चार गुना ज्यादा अयोध्या की सजावट चल रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।